हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की यूनिट वन, जिसमें हम बीबीए सेमेस्टर टू एमडीयू के सिलेबस को कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए अगर आप लास्ट मोमेंट पे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, रिविजन करेंगे पूरी यूनिट वन का, थ्योरी स्टडी करेंगे। और मैंने इस वीडियो में वही टॉपिक्स लिए हैं जो प्रीवियसली आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, राइट? तो वही टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप वीडियो को भी वॉच कर लेते हो ना, एक से दो बार, दो से तीन बार भी वॉच कर लेते हो, तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट? यूनिट 1, 2, 3, 4 सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो बच्चे प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। साथ में यूनिट जो ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हर यूनिट में से जो आते हैं, 2 2 मार्क्स वाले, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो अगर आप ये वीडियोज़ भी वॉच कर लेते हैं तो बड़े ईजिली आपका एग्जाम जाएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, आपका ही चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मीनिंग, या फिर कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की यूनिट वन की बात हो रही है तो मीनिंग तो पता होना ही चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, एंड इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये साइंस है, या फिर इसका जो यूज़ है वो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स जनरली अगर मैं बताऊँ ना तो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। स्टैटिस्टिक्स को बोला गया कि ये साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। मतलब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब हमने पहले डेटा को कलेक्ट करा, इकट्ठा करा, अब वो कलेक्शन का मेथड जो भी रहा हो सकता है आपने फेस टू फेस जाके डेटा कलेक्ट किया हो, या फिर आपने यू नो क्लास में गए, वहाँ से बच्चों के मार्क्स पूछे हो, डेटा कलेक्ट किया हो, दैट इज फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कलेक्शन। न्यूमेरिकल डेटा का हम क्या करते हैं, कलेक्शन। कलेक्ट करने के बाद का जो स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हम उस डेटा को फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने डेटा ले लिया लेकिन उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट? जब आप ये कर लोगे देन आप क्या करोगे, उस डेटा को प्रेजेंट करोगे, मतलब कि उस डेटा को प्रेजेंटेबल बनाओगे। टेलीमार्क्स करते थे ना, टेबुलर फॉर्म बनाते थे, उसमें हम डेटा लिखते थे, एंड उस फॉर्म में भी कर सकते हो, राइट? और या फिर डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये सारे मेथड्स हैं प्रेजेंट करने के। टेबुलेशन फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो प्रेजेंट करना। पहले आपने कलेक्ट करा डेटा, फिर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर आपने प्रेजेंट कर दिया, अच्छा जी। उसके बाद आप उस डेटा को एनालाइज करोगे, मतलब देखोगे सारी चीज़ें, एनालाइज करोगे, विश्लेषण करोगे उस चीज़ का। जब आपने डेटा को एनालाइज कर दिया देन आप उस न्यूमेरिकल डेटा का इंटरप्रेटिंग करोगे। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, कुछ भाई क्या निकल करके आया। अगर मैं गई किसी क्लास में और मैंने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछे बच्चों से क्लास में, तो मेरे पास पूरा डेटा आ गया, मैंने उसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया, मैंने उसको प्रेजेंट भी कर दिया, मैंने उसको अच्छे से एनालिसिस भी कर दिया, फिर ये निकल करके आया कि बच्चे जो है ना थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो बड़े अच्छे नंबर ला रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बड़ा बुरा हाल है बच्चों का। दैट इज, ये रिजल्ट निकल करके आया उस डेटा का, है ना? तो दिस इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब किसी रिजल्ट निकालना उस डेटा में से, कंक्लूजन ड्रॉ करना। अच्छा, तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजंस। मतलब जब हमें उस डेटा से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छा रिजल्ट्स या फिर कंक्लूजन्स मिलेंगे, हमें बातें पता चलेंगी, तब हम स्टेप्स भी तो लेंगे ना, कहाँ हम कमियां कर रहे हैं। तो बेसिकली वो डेटा आपको असिस्ट करता है, आपको हेल्प करेगा ताकि आप अपने डिसीजन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली ले पाओ। ऑल राइट, तो ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है जो मैंने बड़ी आराम से समझाई आपको, जिसमें आपको यही लिखना है कि ये साइंस है जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रेजेंट, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, न्यूमेरिकल डेटा, ये सब। अच्छा जी, चलिए अब बोला गया उसके बाद कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ टू प्लान बजट। स्टैटिस्टिक्स को आप यूज़ कहाँ पे करोगे भाई? बजट प्लानिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। हम ये ट्रैवल के बेस्ट रूट्स, यू नो हमें कहीं ट्रैवलिंग करना है बिकॉज बिजनेस में जब आप यू नो या फिर कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो वहाँ पे भी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स नंबर्स का यूज़ होता है, न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ होता ही है। उसके बाद बेस्ट प्राइजेज ऑफ फॉर प्रोडक्ट, कि आपके बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए क्या प्राइस बेस्ट या फिर सुटेबल रहेगा, वहाँ पे आपकी ये स्टैटिस्टिक्स काम आने वाली है। एंड द बेस्ट टाइम्स टू परफॉर्म वेरियस डेली एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी यू नो डेली एक्टिविटीज़ में भी आप यू नो नंबर से सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं ना, नंबर। नंबर तो आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स आपकी रियल लाइफ में है ही है ऑलरेडी। तो ये सब आप लिख सकते हो मीनिंग एंड डेफिनेशन में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जिसको आप ये बोल सकते हो कि इसको हम ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अगर ये आ जाता है तो आपके पास कुछ तो मैटर होना ही चाहिए इसको लिखने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम इसको। देखो इसमें क्या बोला गया कि ये जो टर्म है ना स्टैटिस्टिक्स, इसका जो ओरिजिन है, मतलब ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स आया ना, ये कहाँ से आया? ये आया है लैटिन वर्ड, लैटिन इज अ लैंग्वेज, ये वहाँ से आया। तो लैटिन का एक वर्ड था जिसका नाम था स्टेटस, स्टेटस, यू नो, तो स्टेटस से निकला ये स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, ठीक है। इटालियन वर्ड भी था एक स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड भी था एक स्टैटिस्टा, वहाँ से भी निकला है ये स्टैटिस्टिक्स। जर्मन का भी एक वर्ड है स्टैटिस्टिक, के आ रहा है पीछे। तो ये तीन लिख सकते हो कि ये यहाँ यहाँ से ये जो वर्ड
का ओरिजन हुआ है, हमारे 36 वर्ड का जो है ओरिजन हुआ है, यहाँ से ही निकला ये वर्ड, नाम आया ये। अच्छा, ये तीनों ही टर्म्स जो ये तीनों ही वर्ड है, ये क्या इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। अच्छा जी, इनको हम पॉलिटिकल स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना पहले के ज़माने में पॉलिटिकल स्टेट स्टैटिस्टिक्स को इसलिए बोला जाता था बिकॉज हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते ही किस लिए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मतलब जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे ना, जो राजनीति करते थे, वो लोग यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक्स को, इसीलिए इसको पहले बोला जाता था पॉलिटिकल स्टेट। एंशियंट पीरियड, पुराने ज़माने में क्या होता था, स्टेट्स को ज़रूरत पड़ती थी स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, क्यों ज़रूरत पड़ती थी भाई? क्योंकि उसके ना दो पर्पस थे, दो रीज़न थे मेन। कौन से दो रीज़न थे? पहला तो ये था कि भाई ये पता लगाओ कि हमारे राज्य में कितने नंबर ऑफ़ यंग मैन हैं, कितने जवान लोग हैं, क्योंकि हमें फिर उनको आर्मी में भर्ती कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सेना चाहिए, दैट कैन बी रिक्रूटेड इन द आर्मी। उसके बाद सेकंड पर्पस क्या था? सेकंड पर्पस था लैंड होल्डिंग से रिलेटेड, बिकॉज राजा महाराजा क्या करते थे, ज़मीनों पे रिवेन्यू चार्ज करते थे ना, लैंड रिवेन्यू चार्ज, तो उनको अपनी इनकम से भी तो मतलब होगा, तो लैंड रिवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हिसाब से ये भी पता होनी चाहिए कि कितनी लैंड होल्डिंग है, तो ये यूज़ होता था स्टैटिस्टिक्स का पहले, है ना। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को पहले क्या बोला जाता था? साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट या फिर पॉलिटिकल अरिथमेटिक बोला जाता था इसको। अच्छा, लेकिन आज के ज़माने में क्या है जी? आज के ज़माने में स्टैटिस्टिक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, इसका जो सीधा सीधा क्लोज रिलेशन है वो उन सभी एक्टिविटीज़ से है जिनको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं उठी, मैंने टाइम देखा, अच्छा उसके बाद प्राइस क्या सिलेक्ट करना है, बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, मेरे को मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो ये क्या है? ये नंबर्स हैं, नंबर्स जिनका हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, नंबर्स के बिना हम जी नहीं सकते, नंबर्स तो हमें चाहिए, विदाउट नंबर आपको आप यू नो काफ़ी सारे ओपिनियंस आपके यूजलेस हो जाएंगे, राइट। क्वांटिटेटिव टर्म्स में वो सभी एक्टिविटीज़ जिनको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, वो सभी स्टैटिस्टिक्स से क्लोजली रिलेटेड है। आज के मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स ये है। तो ये था इवोल्यूशन, आई होप आप ये इवोल्यूशन आप लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ मत करना, ये एक जो प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है ना, ये बना देना, कितना प्यारा है ना, थोड़ा सा आपका स्पेस भी भर जाएगा शीट का। तो स्कोप लिखना, उसमें सबसे पहला वर्ड नेचर लिखना, स्टैटिस्टिक्स का नेचर, कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट मैटर आएगा और आएंगी इसमें लिमिटेशंस। मतलब अगर स्कोप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप मान के चलो कि उसमें आपको लिमिटेशंस भी लिखनी है, आपको नेचर भी लिखना है स्टैटिस्टिक्स का और सब्जेक्ट मैटर। अब हम तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं, गॉट इट। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है जी? देखो, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू फाइंड आउट वेदर इट इज साइंस और आर्ट। स्टैटिस्टिक्स साइंस है या स्टैटिस्टिक्स आर्ट है? अच्छा जी, मैं तो बोलूंगी जी स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो दोनों है, मतलब वो साइंस भी है, वो आर्ट्स भी है, आर्ट भी है। अच्छा क्यों भाई? क्योंकि एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा को ना एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा को ना सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करता है। सिस्टमैटिक कैसे जी? बिकॉज पहले वो डेटा को कलेक्ट करता है, फिर वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, फिर वो डेटा को एनालाइज करता है, फिर इंटरप्रिटेशन करता है, यही सब पढ़ता है, और एक बीच में हम छोड़ गए प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक मैनर में चल रहा है ये स्टडी जो है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में चलती है। और साइंस भी क्या है? साइंस भी तो वही है, साइंस भी तो सिस्टमैटिकली रन करता है। कुछ भी चीज़ साइंस है तो वो सिस्टम के बेस पे होती है, वो फैक्ट्स के बेस पे होती है, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोल रहे हैं। दूसरा, आर्ट। हम स्टैटिस्टिक्स को आर्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप डेटा को यूज़ करके ना अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ओके? तो कुछ स्कॉलर्स जो है वो इसको बोलते हैं, सम स्कॉलर्स कॉल इट अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन प्रेफरेंस टू स्टैटिस्टिक साइंस बिकॉज इट्स मेथड्स आर यूज इन ऑल साइंसेज। कहने का मतलब है कि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड है ना, वो हमारी सभी साइंस में यूज होते हैं, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी बोलते हैं। अच्छा, तिब्बत ने क्या बोला? एक बंदा है तिब्बत, इसने बोला कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो दोनों है, साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस इसलिए बिकॉज इसके जो मेथड्स हैं वो सिस्टमैटिकली होते हैं, बेसिकली सिस्टमैटिक वे में होते हैं, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी जनरल है, हर जगह अप्लाई होता है, जैसे साइंस होता है। और आर्ट क्यों बोला? क्योंकि इसकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो है वो किसी एक्सपीरियंस्ड या फिर कह सकते हैं किसी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड स्टैटिस्टिशियन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स, अगर आप डेटा के साथ खेल रहे हो, अगर आप डेटा को यूज़ करके कुछ ना कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। बिकॉज अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, क्या करोगे? कहने का मतलब ये, इसको आर्ट इसलिए बोला गया बिकॉज ये एक आर्टिस्ट ही दे सकता है, मतलब एक बढ़िया स्टैटिस्टिशियन ही स्टैटिस्टिक्स की सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकता है। Got it? तो ये आपको नेचर में मेंशन करना है, इट इज साइंस, इट इज बोथ साइंस एज एन आर्ट, ऑल राइट। अच्छा चलिए, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज, मतलब ये भी स्कोप का ही पार्ट है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स को बोला गया कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो क्या करता है, टू पार्ट्स में है इसके जो सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा जो होता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो इसके बारे में भी ना आप क्या करना, ऐसे बना के आना, ये जो ये हमारा बना हुआ है ना प्यारा सा डायग्राम, जितने ज़्यादा आप इस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर विल डेफिनेटली लाइक योर प्रेजेंटेशन एंड मतलब वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ऑलराइट। उसके बाद
इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए ना कि क्या होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्या होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम एक सेट ऑफ मेथड्स बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेट को समराइज करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाली स्टैटिस्टिक्स ना डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए है, उस डेटा सेट के मेन फीचर को डिस्क्राइब करता है। मतलब मान लो मैं तुम्हारी क्लास में गई और मैंने सबके मार्क्स पूछे, मैंने उसमें से सब कुछ एनालाइज करा, डेटा कलेक्ट करा, इंटरप्रेट करा और मैंने क्या कंक्लूजन निकाला। मैंने जब आगे रिपोर्ट दी तो मैंने ये दी कि बच्चे जो है इस सब्जेक्ट में ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने डेटा सेट के बेस पे अपनी उस इन्फॉर्मेशन को समराइज किया, उस इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया। गॉट इट? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सेट ऑफ मेथड है जिसको आप यूज करते हो अपने डेटा सेट के मेन फीचर को डिस्क्राइब और समराइज करने के लिए। जैसे कि देखो, आप क्या करते हो, आप सेंट्रल टेंडेंसी करते हो। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या किया था आपने, मीन मीडियन मोड निकाला था। उसमें आपने किया भाई एवरेज, क्या बच्चा परफॉर्म कर रहा है, या बच्चों की भाई हाइट, एवरेज हाइट कितनी आ रही है जी, या एवरेज वेट कितना आ रहा है जी, ये सब आप सेंट्रल टेंडेंसी में फाइंड आउट करते थे। वेरिएबिलिटी, ये भी डिस्पर्जन वाला आ गया टॉपिक, और ये सब आप करते थे। तो कहने का मतलब है, इन न्यूमेरिकल जो ये हमारे टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल जो हमारे मेथड्स हैं, इनको आप डिस्क्राइब करते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऐसा मेथड है जो अपने आपके जो डेटा का है वो ओवरव्यू देता है और हेल्प करता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पैटर्न्स या फिर रिलेशनशिप्स इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सब आप अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में लिखाना। गॉट इट? उसके बाद आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप सैंपल डेटा को, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप ना सैंपल डेटा यूज़ करते हो। देखो क्या होता है ना, जनरली मान लो मुझे बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। मान लो मैं अपने गुड़गांव शहर की बात कर रही हूँ जिसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई कितने लोग, कितनी जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है और कितनी वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, ये मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा भाई मुझे पता है गुड़गांव में तो बड़े सारे बंदे रहते हैं, बड़े सारे लोग रहते हैं। अब मेरे पास तो बड़ी सारी पॉपुलेशन हो गई एकदम लार्ज, मैं कैसे किस पे जाकर पूछूंगी डेटा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डेटा कलेक्ट करने में, फिर मैं स्टडी कैसे कंप्लीट करूंगी। तो ना इस प्रॉब्लम का सलूशन आया एक, क्या आया कि भाई सैंपल वाली स्टडी करो ना। सैंपल वाली स्टडी का मतलब क्या कि आपकी पॉपुलेशन है ये, मान लो ये बड़ी सी आपकी पॉपुलेशन है। आपने क्या किया, मान लो कि गुड़गांव में वर्किंग पॉपुलेशन लेट से मतलब एक सपोज करके चलते 10 लाख लोग हैं वर्किंग पॉपुलेशन की, मैं अगर बात करूँ तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, 10 लाख लोग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया, ये मैंने एक सैंपल ले लिया और मैंने उसी के बेस पे स्टडी कर दी, उसी के बेस पे अपना कंक्लूजन निकाल दिया। इसी को हम बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे मैं सैंपल यूज़ कर रही हूँ अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्टडी जो मैं स्टडी करना चाहती हूँ, जो मैं जानना चाहती हूँ उसके लिए, अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए, प्रिडिक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप सिंपल डेटा यूज़ करते हो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक, या फिर प्रिडिक्शंस करने के लिए। और किस बारे में प्रिडिक्शंस करने के लिए, लार्जर सैंपल डेटा, सैंपल और पॉपुलेशन, मतलब उस डेटा में से डेटा निकालना जो बहुत लार्ज में, मतलब आपका सैंपल भी इसमें लार्ज ही होता है बेसिकली, 1 लाख लोगों से भी डेटा कलेक्ट करना बड़ी बात होती है। ऑल राइट, उसके बाद चलिए अब हमारा बड़ा अच्छा वाला टॉपिक आ गया, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस में मैंने बिल्कुल आपके लिए ऐसे क्रिस्प हेडिंग्स लिए हैं बिकॉज आपको तो हेडिंग अच्छे से आनी चाहिए, अंदर का तो मुझे पता है आप क्या लिख के आते हो। ठीक है, चलो कोई नहीं। फर्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। जो स्टैटिस्टिक्स है ना उसकी भाई कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी ना, कुछ ना कुछ उसमें कमियां तो होंगी, क्योंकि किसी की अच्छाइयाँ होती है ना तो कमियां भी होती हैं। तो लिमिटेशन मतलब कमियां, स्टैटिस्टिक्स में क्या कमी है भाई ये पढ़ना है। तो पहली कमी है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो कह रहा है जी मैं तो न्यूमेरिकल वाला डेटा ही स्टडी करूंगा, क्वालिटेटिव डेटा मैं स्टडी नहीं करने वाला। मतलब कोई बंदा कितना ईमानदार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना कैसा है कैसा है, मतलब क्वालिटी पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ही स्टडी कर सकता हूँ। कहने का मतलब आप इसमें ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये जो है क्वांटिटेटिव डेटा को ही स्टडी करता है और क्वालिटेटिव डेटा को ये इग्नोर करता है। तो ये आप लिख देना इस वाले पॉइंट में। दूसरा आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि मैं किसी एक बंदे के ऊपर काम नहीं करता, मैं तो ग्रुप्स में स्टडी करता हूँ। मतलब क्लास के एक बच्चे का अगर आपने मार्क्स पूछ लिए तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब आपने क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स पूछे। गॉट इट? मान लो मैं पॉकेट मनी की बात कर रही हूँ तो मैं किसी एक पर्सन की पॉकेट मनी की बात नहीं करूंगी, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स तब होगा जब आप 3-4 लोगों की पॉकेट मनी उनसे पूछोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर कंपेयर करोगे। दैट इज, तो इसका मतलब है कि ये एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, यानी कि ये ग्रुप्स में स्टडी करता है, ये इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता, किसी एक बंदे की स्टडी नहीं करता, ये ग्रुप ऑफ डेटा की, डेटा सेट की बात करता है। गॉट इट? इसमें आपके लिए कहने का मतलब ये कि ये सिंगल बंदे को छोड़ता है और ये ग्रुप पे बात करता है। ग्रुप है तो स्टैटिस्टिक्स है, एक बंदे की बात मत करो। दैट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। अच्छा जी, थर्ड है हमारे पास नॉट द ओनली मेथड। स्टैटिस्टिक्स कहने का मतलब यह, भाई अपनी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्या हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं हर जगह? नहीं। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स इकलौता मेथड नहीं है जो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो ये आप लिख देना इसमें।
फोर्थ है होमोजीनिटी ऑफ डेटा। होमोजीनिटी ऑफ डेटा मतलब ये कह रहा है कि अगर डेटा अलग है, डेटा हिट्रोजीनियस है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है, कहने का मतलब ये है डेटा जो है ना वो होमोजीनियस होगा तब स्टैटिस्टिक्स होगा, मतलब वो सिमिलर होना चाहिए। कि अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो मैं मार्क्स की बात करूँगी, ये नहीं कि मान लो मैंने 10 बच्चे ले लिए, 5 बच्चों के तो मैंने हाइट पूछ ली और बाकी 5 बच्चों के मैंने वेट पूछ लिए उनके और मैंने कंपेयर कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तब होगा जब मैं 10 के 10 बच्चों से या तो उनका सिर्फ वेट ही पूछूं कि उनके कितने कितने वेट है, बॉडी वेट, या फिर मैं उनकी हाइट पूछूं, है ना, तभी कंपैरिजन यू नो कंपेयर कर पाओगे ना आप डेटा को, तभी तो उसमें से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। तो उसके लिए आपका डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास डेटा हेट्रोजीनियस है, मान लो आपके पास 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन कुछ अलग 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 है, फिर आप कैसे स्टैटिस्टिक्स करोगे? आप स्टैटिस्टिक्स कर ही नहीं पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स करने के लिए सिर्फ मतलब एक कंडीशन है कि आपका डेटा होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस, ठीक। लीटर को आप मीटर सेंटीमीटर से तो नहीं कंपेयर कर पाओगे ना, लीटर की स्टडी लीटर मिलीलीटर के साथ होगी, गॉट इट? ऑलराइट। उसके बाद आता है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मतलब जो इसमें आप रिजल्ट्स निकालते हो ना वो सिर्फ एक एवरेज होता है। इसकी तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूँ ना तो ये है कि इंडिया में ना जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम में क्या करते हैं, जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, सैलरी, जो भी नेशनल इनकम है उससे करते हैं, नेशनल इनकम को टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। अच्छा जी, मान लो पर कैपिटा इनकम आ गई 2-3 लाख रुपये, 3 लाख लगा लो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या लगता है आपको कि 3 लाख हर कोई कमाता है? नहीं, किसी की तो करोड़ों में है इनकम और किसी की हज़ारों में भी नहीं है। तो कहने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स तो आपको सिर्फ एक एवरेज निकाल के देगा। मान लो मैं क्लास में गई, मैंने सबके बॉडी वेट्स पूछे, तो बॉडी वेट में मैंने सबको टोटल लगाया, एन नंबर से डिवाइड किया, तो एक एवरेज ही तो आएगा। मान लो एवरेज आया 60 किलो, कि हर किसी का वजन 60 किलो है? नहीं जी, किसी का 90 है, किसी का 80 है, किसी का कम भी है, राइट? तो रिजल्ट जो है यहाँ पे जो निकलते हैं ना वो एवरेज के बेसिस पे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगली जो लिमिटेशन है, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट बंदे यूज कर सकते हैं, मतलब नो सिखियों के बस की नहीं है स्टैटिस्टिक्स करना, गॉट इट? तो इट इज ओनली यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, यू नो, जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो, जिसको नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकता, स्टडी नहीं कर सकता, स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकता। उसके बाद मिसयूज भी हो सकता है, भाई स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी कर सकता है, डेटा इधर उधर बायसनेस हो सकती है, ये सब लिख दोगे आप। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ अप्लाई होगा ये, कहाँ इसका यूज है? तो नंबर वन अगर मैं बात करूँ तो इसका बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में यूज होता है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में हम इसका क्या यूज करते हैं, हम इसको मार्केट रिसर्च के लिए यूज करते हैं, हम इसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हम बिजनेस करते हैं क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी तो मेजर करना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया क्वालिटी का हो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो। तो यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में करते हैं, फोरकास्टिंग में तो बहुत ज्यादा होता है स्टैटिस्टिक्स का यूज, जिसमें हमारा टाइम सीरीज वाला चैप्टर है, ठीक है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशनल रिसर्च, खासतौर पर रिसर्च में PhD जो लोग करते हैं वहाँ पे इसका बड़ा यूज़ है। पॉलिसी इवैल्यूएशन में इसका यूज़ है। पॉलिसी इवैल्यूएशन का मतलब है कोई नीति बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है आपको, अच्छी इफेक्टिव पॉलिसी बनानी है उस, या फिर किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को आपको इवैल्यूएट करना है, तो वहाँ के लिए एजुकेशन में आपका यूज़ होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, टेस्टिंग करने ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मार्क्स परफॉर्मेंस चेक करने के लिए स्टैटिस्टिक्स तो हम यूज़ करते ही हैं। इंजीनियरिंग में भी होता है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डेवलपमेंट में होता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में, फाइनेंस में इसका यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या फिर क्रेडिट स्कोरिंग में, सिबिल स्कोर। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल, जेनेटिक्स, पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है, सेंसस डाटा ऑब्वियसली पॉपुलेशन मेजर करने में गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेती है ना, स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे भी अप्लाई होता है। एनवायरमेंट पॉलिसी बनाने के लिए, क्राइम स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए कितना क्राइम हो रहा है, तो ये ऑल आर रिलेटेड टू नंबर्स, है ना। तो जहाँ नंबर है वहाँ स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, ये बात ध्यान रखना। सोशल साइंस हर जगह यूज है, स्पोर्ट्स में भी यूज है। बताओ परफॉर्मेंस एनालाइज करना, भाई विराट कोहली ने पहले कितने रन बनाए थे, अब कितने, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, रन कितने मार रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज परफॉर्मेंस एनालिसिस, इन स्पोर्ट्स में भी यूज है। बताओ स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ नहीं है स्टैटिस्टिक्स का यूज। ट्रांसपोर्टेशन में भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी में भी इसका यूज है, EVS एनवायरमेंटल साइंस में भी इसका यूज है, यू नो, एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब जगह यूज है स्टैटिस्टिक्स का, सब जगह अप्लाई करना होता है। तो ये सब आप बढ़िया सा फ्लो चार्ट आप बनाओगे, बहुत सुंदर लगेगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो आता है नया चैप्टर आ जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। बड़ा अच्छा और बहुत बाहर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हर बार क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं। बात करेंगे क्लासिफिकेशन के मीनिंग की। तो मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, आप अपने डेटा को ना क्लासीफाई कर रहे हो, बांट रहे हो उसको, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डेटा को अरेंज कर रहे हो होमोजीनियस ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मैं क्लास में गई, मैंने बोला कि जिसकी हाइट 6 फीट से ऊपर है वो बच्चे अलग हो जाओ, जिसकी हाइट 5 फीट से नीचे है या 5 फीट है वो अलग हो जाओ, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्लासीफाई कर दिया। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, मैंने क्या किया कि जिस बच्चे के मार्क्स 60 मार्क्स, 100 में से 60 से अबव है वो बच्चे साइड हो जाओ, जिसके 60 से कम है वो बच्चे साइड हो जाओ। मैंने क्या किया, एक तरीके से डेटा को क्लासीफाई कर दिया, और किस बेस पे क्लासीफाई किया, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कि भाई इनकी हाइट जो है वो बिल्कुल कॉमन है, 6 फीट से ऊपर है तो ये अलग हो जाएंगे, जिनकी हाइट इससे कम है तो ये अलग हो जाएंगे।
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनमें कुछ म्यूचुअल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, जिसके बेस पे मैंने उस डेटा को यू नो होमोजीनियस ग्रुप्स या फिर उस डेटा को अरेंज करा। अच्छा ठीक है, तो रो डेटा कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड। आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, अब उसमें से आप क्या निकालोगे स्टडी? जब तक आप उसको उसके साथ स्टैटिस्टिक्स नहीं खेलोगे तब तक आप उस डेटा में से क्या समझोगे, राइट? तो जो आपका रो डेटा है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, इट इज़ नॉट फिट फॉर फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपका डेटा जो है वो फर्दर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए भी फिट नहीं बैठता है जब तक आप उसको अरेंज ना करो। तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा यूजर्स की हेल्प करता है कंपैरिजन में, एनालिसिस में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस, फीमेल मेल जेंडर, यू नो इनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक टाउन की पॉपुलेशन को ग्रुप्ड कर सकते हैं कि फीमेल अलग हो जाए, मेल अलग हो जाए, एज के बेस पे, जो एज के बेस पे भी हम बांट सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के बेस पे, मैरिटल स्टेटस के बेस पे कि भाई ये अनमैरिड है, ये सिंगल है, ये विडो है, या ये है और ये मैरिड है, उस बेस पे मैरिटल स्टेटस के बेस पे भी आपने क्या कर दिया, पॉपुलेशन को बांट दिया। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। आप अपने डेटा को होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इस बेसिस पे अपने डेटा को अरेंज कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, गॉट इट? अच्छा, अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? व्हाई? बिकॉज टू कंडेंस द मास ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिकम्स वेरी क्लियर। मतलब हमें पता चल जाए कि ये जो इतना सारा मास में हमारे पास डेटा गिवन है इसमें कौन सा डेटा सिमिलर है और कौन सा डेटा डिसिमिलर है। मतलब जिस कहने का मतलब है कि जो सिमिलर है उसको एक साइड कर दो, जो सिमिलर नहीं है उसको एक साइड कर दो, तो इससे हमें डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी दोनों का पता चल जाएगा। दूसरा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस, कंपैरिजंस को फैसिलिटेट करता है। कहने का मतलब है हम उस डेटा को कंपेयरेबल बना पाते हैं। जैसे कि मैंने हाइट पूछी, भाई ये बच्चे तो है 6 फीट से ऊपर, ये बच्चे जो है 5 फीट से नीचे, ये 3 फीट से नीचे, तो मैंने क्या करा, कंपेयर कर दिया ना, तो क्लासिफिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हुआ ना। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ना कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, यानी कि कंपैरिजन को सरल बनाता है, इजी बनाता है, ताकि आपका डेटा क्या हो जाए, कंपेयरेबल हो जाए। उसके बाद टू पॉइंट आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेटा एट अ ग्लैंस। कहने का मतलब है कि जब आप डेटा को ना क्लासीफाई करते हो तो आपको उस डेटा के फीचर्स जो है वो पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है कि भाई आपने क्या किया, पॉइंट आउट कर दिया उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को, उस डेटा के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर को आप क्या कर पाते हो, पॉइंट आउट कर पाते हो। और आप अपने डेटा को एक ब्रीफ फॉर्म में भी प्रेजेंट कर पाते हो क्लासिफिकेशन के थ्रू, राइट? कि भाई मेरी क्लास में ना 10 बच्चों की हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और फिर 5 से 4 फीट वाले इतने बच्चे हैं, 3 फीट से इतने वाले हैं। तो मैंने क्या कर दिया, अपने डेटा को ब्रीफ फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, गॉट इट? उसके बाद टू अनेबल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा कलेक्टेड। कहने का मतलब ये है, टू अनेबल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कहने का मतलब है कि हम उस डेटा को जब तक अरेंज नहीं करेंगे तब तक हम उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आगे जाके उस पर जो हमने स्टडी करनी है वो कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन के थ्रू आपका डेटा जो है वो इस तरीके से अरेंज होता है जिससे कि आप स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट उस डेटा का कर पाओ। उसके बाद टू मेक डेटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, आपका डेटा भी ना बड़ा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखने लग जाता है आफ्टर क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या क्या है। क्लासिफिकेशन के ना 4 टाइप हैं, मेरे पीछे पीछे वर्ड बोलना। सबसे पहला ज्योग्राफिकल, ये गुड़गांव का बंदा, ये दिल्ली का बंदा, ये फरीदाबाद का बंदा है। ज्योग्राफिकल के बेस पे आपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया, अभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लास में रोल नंबर्स भी ऐसे होते हैं ना, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसी जो डेटा भी है उसको हम क्रोनोलॉजिकल वे में सेट करते हैं। जनरली क्रोनोलॉजिकल आपने टाइम सीरीज में देखा होगा कि हमने क्या करा, ईयर्स ले लिए, पास्ट 5 ईयर्स ले लिए, पास्ट 10 ईयर्स ले लिए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल वे में क्लासिफाई करते हैं उस डेटा को कि 2010 में ऐसा हुआ, 11 में ऐसा हुआ, 12 में ये डेटा आया, 13 में इतनी सेल्स हुई, 14 में इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे करते हैं ना क्रोनोलॉजिकल मैनर में, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे, और क्वांटिटेटिव। तो बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल की। अच्छा, तो सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफिकल में क्या होता है। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आप अपने डेटा को ना लोकेशनल या फिर ज्योग्राफिकल डिफरेंस के बेस पे क्लासिफाई करते हो, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल, वी मे प्रेजेंट द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसाइकल। हम ऐसे कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो बाइसाइकल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि पंजाब जो है वो 30 फर्म्स है, मतलब पंजाब वाले शहर में 30 ऐसी कंपनियाँ हैं जो बाइसाइकल बनाती है, वॉट इट? हरियाणा में 20 ऐसी कंपनियां हैं जो साइकिल बनाती है, यूपी में जी 25 ऐसी कंपनियां हैं जो साइकिल बनाती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने बाईसाइकिल बनाने वाली कंपनी का ना ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मैंने अभी आपको बताया था ना, जब हम टाइम के बेस पे, दिस इज टोटली रिलेटेड टू टाइम सीरीज वाला चैप्टर, गॉट इट? तो व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम अपनी पॉपुलेशन फिगर को टाइम के बेस पे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना, कि 1951 की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 36.1 crore, 36.1 करोड़। 1961 में यानी कि 10 साल के बाद 43.9 हो गई, 1971 में 54.8 हो गई, 1981 में 68.4 हो गई, एंड 1991 में 84.4 हो गई। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम कैसे कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल वे में लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1991 को ऊपर लिख दिया और 1951 को नीचे लिख रही हूँ, ऐसा तो नहीं कर रही ना।
मैं टाइम के बेस पे क्या कर रही हूँ, पॉपुलेशन को बता रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम क्वालिटी या फिर एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, क्वालिटी गुण, इनके बेस पे हम क्या करते हैं अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं। वो कौन सी क्वालिटी हो सकती है, वो सेक्स हो सकता है, मेल फीमेल अदर्स ये हो सकते हैं, लिटरेसी के बेस पे कि भाई कितने लोग अनपढ़ हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, रिलीजन के बेस पे, रिलीजन तो हम जानते ही हैं, धर्म जो हमारे धर्म होते हैं उनके बेसिस पे। द क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे वो दो टाइप के होते हैं, इतना याद रखना, मतलब जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल वाले में हम क्या करते हैं, सिंपल वाले में सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट की स्टडी करी जाती है, सिर्फ एक गुण को लिया जाता है, उसी के बेस पर डाटा को बांटा जाता है। जैसे कि मैंने सिर्फ सेक्स ले लिया मतलब मेल और फीमेल ले लिया कि मैं बस मेल और फीमेल के बेस पर अपने डाटा को बांटूंगी, सिर्फ मैंने क्या किया एक ही क्वालिटी को कंसीडर किया, उसके बेस पर मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, मतलब हम यहाँ पे रूरल भी देखेंगे, अर्बन भी देखेंगे कि कितने लोग पॉपुलेशन रूरल में रहती है, गांव वाले एरिया में रहती है, कितनी अर्बन वाले एरिया में रहती है, फिर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं। तो मैंने क्या किया सारे एट्रीब्यूट्स ले लिए, दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, गॉट इट। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स तो है ही न्यूमेरिकल। ओके, तो व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं जैसे कि हाइट, वेट, इनकम, मार्क्स, दिस इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम नंबर से खेल रहे हैं, गॉट इट। उसके बाद बात करेंगे टैबुलेशन। हर बार आता है क्वेश्चन क्लासिफिकेशन टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन टैबुलेशन, ये क्वेश्चन हर बार आएगा, तो इसको तो बढ़िया वाला पढ़ना है, ठीक है, रुको। अच्छा, टैबुलेशन टेबल, टैबुलेशन मतलब टेबल बनाते हो, टेबल मतलब अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। तो टैबुलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो अपने डेटा को प्लेस करते हो, क्लासिफाइड करते हो टैबुलर फॉर्म में। तो टेबल क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है आपकी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का। हमें पता है ना टेबल में क्या होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। एक्सेल देखा है, एक्सेल में क्या करते हो, टेबल तो होती है, वो रो कॉलम टेबल होती है ना, रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होता है, ठीक है। रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम हमारा वर्टिकल होता है, पता है ना। तो द रो ऑफ टेबल आर हॉरिजॉन्टल और कॉलम जो है वर्टिकल। अरे हो गया, तो बात करेंगे टैबुलेशन की, टैबुलेशन के बारे में हमने पढ़ा अभी। उसके बाद हम बात करेंगे अब इसके टाइप्स की। वैसे जनरली अगर मैं बात करूँ तो सिंपल टैबुलेशन और कम्प्लेक्स टैबुलेशन होता है, और जनरली जो हमारा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ टेबल के ऊपर कि भाई कितने तरीके की टेबल होती है, कैसे टेबल बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हो ना, बड़ा सुंदर सा, इसको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 5-6 बार अपनी आंखों से देख लेना, ये बना के आना, आपका एक पेज तो यूं ही भर जाएगा और बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा पेपर आपका, ठीक है। तो याद कर लो इसको, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल पर्पस टेबल हम बनाते हैं और स्पेशल पर्पस टेबल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हम बनाते हैं सिंपल या फिर वन वे टेबल, और दूसरा कॉम्प्लेक्स टेबल। जो कॉम्प्लेक्स टेबल है वो फर्दर फिर दो भागों में डिवाइडेड है, दैट इज डबल या फिर टू वे टेबल और ट्रिपल, ट्रिपल मतलब तीन वे, थ्री वे टेबल। तो कुल मिला के जो आपको पढ़ना है ना वो छः पढ़नी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, बहुत आसान है, अभी पढ़ाती हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू पर्पस में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, अकॉर्डिंग टू पर्पस में आपको जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस ये दो लिखने हैं। जनरल पर्पस का मतलब क्या, ऐसी टेबल जिसको आप अपने जनरल यूज़ के लिए बना रहे हो, ठीक है, इट डज़ नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ऐसी टेबल जो जनरल है, सिर्फ सामान्य है, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस ना हो। और सच टेबल आर जस्ट डेटा बैंक, मतलब ये टेबल सिर्फ डेटा बैंक होती हैं, रिसर्चर्स के यूज़ में आती हैं, ये रिसर्चर इनको यूज़ करते हैं। और दीज टेबल आर जनरली अटैच्ड टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जैसे कि सेंसस रिपोर्ट्स हो गई इंडिया की, जो हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं ना, तो ये आप लिख सकते हो, मतलब जनरल, जो जनरली अवेलेबल हो, सबके लिए अवेलेबल हो, हर कोई उस टेबल का यूज़ कर सकता है, उस मतलब उस डेटा को यूज़ कर सकता है उस टेबल का, राइट। अच्छा, स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेशल वाला जो पर्पस है वो क्या होगा, स्पेशल पर्पस टेबल वो होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाए, और ये जो है ना जनरली स्मॉल टेबल होती हैं और लिमिटेड टू द प्रॉब्लम इन हैंड, कहने का मतलब है जो आपके हाथ में प्रॉब्लम है ना, मतलब जिस प्रॉब्लम से आप की वजह से स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो ना डेटा की, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप वो टेबल बना रहे हो, दैट इज लिमिटेड टू द प्रॉब्लम इन हैंड, कहने का मतलब है कि वो हर पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, जनरल यूज़ नहीं है इसका, सिर्फ एक उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के यूज़ में के लिए आपने वो टेबल बनाई है, ठीक। तो इन दिस टेबल डेटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस, ठीक। अच्छा, दूसरा आता है हमारा कंस्ट्रक्शन के बेस पे। कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप जी है सिंपल टेबल बनाते हो। सिंपल टेबल वो होती है जो डेटा की सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए, ठीक। कहने का मतलब ये है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, BBA है, BA कोर्स है, BA सेकंड ईयर है, BA थर्ड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, मैंने क्या किया इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हर क्लास का सिर्फ और सिर्फ क्या डेटा कलेक्ट किया कि भाई हर क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक। मतलब एक ही चीज़ पे मैंने स्टडी करी, मैंने गई क्लास में, मैंने बताया, बोला कि भाई तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, नोट डाउन कर लिया। सो दिस, तो ये क्या शो करता है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। तो वो हो गई आपकी सिंपल टेबल, ऐसे बना के आ जाना, बड़ा ही सुंदर लगेगा। उसके बाद आता है
कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टीपल टेबल वो होती है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए। जैसे अब आप देख रहे हो इसके ना दो टाइप का मतलब टू वे मतलब कहने का मतलब है एक से ज़्यादा का मतलब तो दो भी होता है ना, तो टू वे मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। अच्छा क्या दिखा रहा है जी, ये दिखा रहा है कि ना बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। पहले वाले में क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया ना, अभी क्या ले लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ भी ले लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स भी ले लिया और उनका टोटल लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर दिया, दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। ये ना जो नंबर लिखे हुए हैं आप अपनी अपनी मर्जी से भी कुछ भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इनका रटना है नंबर, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अपने एग्जांपल से कर सकते हो। अच्छा थ्री वे क्या होगा, थ्री वे तो बड़े सिंपल है, उसमें क्या करा मैंने तीन चीज़ें ले ली है ना, मैंने क्या कर लिया थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बॉयज़ गर्ल्स का तो किया, ये तो पहली वो थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर मैंने उनका रूरल भी देखा, अर्बन भी देखा, मतलब जो बॉयज़ है वो रूरल एरिया से कितने हैं, अर्बन एरिया से कितने हैं। फिर गर्ल्स का देखा रूरल एरिया से कितने हैं, अर्बन एरिया से कितने हैं। फिर टोटल, सो दिस इज थ्री वे टेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, थ्री वे टेबल बन रहा है। ठीक, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जैसे कि हर बार पूछा गया जाता है कि आप ये जो टेबुलेशन करते हो इसकी क्या एडवांटेज है, क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, फ़ायदा बताना है, फ़ायदा एडवांटेज बतानी है। तो हम फर्स्ट बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम अपने डेटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम अपने डेटा को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारा डेटा बड़ा सिंपल नजर आए। अब आप ये देखो टेबल में कितना सिंपल नजर आ रहा है, डेटा आ रहा है ना, बड़ा सिंपल लग रहा है, रूरल बंदे इतने, अर्बन बंदे इतने हैं, इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, क्या हो रहा है, डेटा को सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, टोटल कर रहे हो, इसका टोटल भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद इससे आपका टाइम स्पेस भी बचता है, क्या नहीं, मतलब एक तो आपको भरमार डेटा दे दिया जाए उससे तो क्या ही स्टडी करोगे यार, टैबुलेशन की फॉर्म में अगर डेटा मिलता है तो बड़े कम टाइम में आप अच्छी स्टडी कर लेते हो, कंपैरेटिव स्टडी भी बहुत पॉसिबल है, कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, कितने रूरल बच्चे हैं कितने अर्बन बच्चे हैं, कंपेयर कर लिया तो टैबुलेशन से पॉसिबल हुआ ना ये। उसके बाद टैबुलेशन में बड़ा ही ईजी हेल्पफुल है कि ये आपके डेटा को एनालिसिस मेजर प्रेजेंटेशन में भी बड़ा ही हेल्पफुल है, ठीक है, ये आप अपने डेटा को एनालाइज कर पाओ, मेजर कर पाओ, डेटा को प्रेजेंट कर पाओ, तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ टैबुलेशन। अच्छा उसके बाद आता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ा था, कितने तरीके की टेबल होती है, अब हम पढ़ेंगे जो हर बार क्वेश्चन आता है दैट इज पार्ट्स ऑफ एन आइडल टेबल। ये हर बार आता है, अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर देखोगे तो पार्ट्स ऑफ टेबल बहुत बार पूछा हुआ है। टेबल के पार्ट क्या है, मान लो आपने टेबल बनाना स्टार्ट करा तो टेबल बनाते टाइम करोगे क्या, पहले तो टाइटल सेट करोगे, टेबल का टाइटल क्या होगा जो आप टेबल बना रहे हो, ठीक है, क्या डेट मेंशन करोगे, क्या आपका सोर्स है, कहाँ से डेटा लोगे, फुटनोट्स क्या लिखोगे, टेबल की बॉडी ऑफ द टेबल, टेबल का नंबर, या फिर स्टब्स या फिर रो डेजिग्नेशन, इस तरीके का ना फ्लो चार्ट बना देना। सुनो, इस तरीके का ना फ्लो चार्ट बना देना, फ्लो चार्ट बड़ा अच्छा लगेगा, व्हाट इट, कॉलम हेडिंग वाला मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये कर देना, ये वाला भी करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो कैसे दोगे, इसके लिए मैंने सिर्फ चार पाँच पॉइंट लिए हैं, बहुत है चार पाँच पॉइंट। टेबल का टाइटल, टेबल के टाइटल की बात करूँ तो टेबल का टाइटल आपको क्या बताता है कि भाई टेबल किस लिए बनाई है, किस चीज़ की टेबल है ये, तो बेसिस इन्फॉर्मेशन देता है टाइटल, है ना, किसी चीज़ का टाइप टाइटल, मूवी का टाइटल, टाइटल मतलब एक कह सकते हैं कि उसके बारे में बताता है, टेबल के बारे में बताता है, एक बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये। दूसरा है कॉलम हेडिंग और कैप्शन, कॉलम हेडिंग की भी कॉलम में हेडिंग क्या लिखोगे, जैसे कि अभी हमने देखा था ना रूरल अर्बन बॉयज़ गर्ल्स, ये क्या थी, कॉलम की हेडिंग थी ना, है ना, तो वो टॉप टॉप ऑफ द टेबल आप लिखोगे कॉलम की हेडिंग। फुटनोट क्या होता है, फुटनोट एक स्कोप होता है, एक पोटेंशियल होता है जिसमें आप अपने डेटा को और एक्सप्लेन कर पाओ टेबल के नीचे, फुटनोट वो होता है कि आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताना चाहते हो, कुछ ऐसी लाइन जो आपको बताना जरूरी लग रहा है तो आप उस टेबल के नीचे वो लाइन लिख सकते हो, जैसे आता है ना नोट करो ये चीज, वैसे वाला, इट गिव्स अ स्कोप और पोटेंशियल फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन, भाई अगर जरूरी है तो ऐसा होता है, फुटनोट की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद रो हेडिंग एंड स्टब, अब रो की क्या हेडिंग लिखोगे, है ना, कॉलम की हेडिंग तो लिख ली बॉयज़ गर्ल्स ये वो फलाना डिंगरा लिख दिया, रो की क्या हेडिंग होगी वो भी सेट करनी पड़ेगी जो आपको लेफ्ट साइड में लिखनी होती है। इन्फॉर्मेशन सोर्स की, कहाँ से डेटा मिलेगा, सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, डेटा कहाँ से कलेक्ट करके टेबल में डालोगे, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन सोर्स। ठीक, कि द इन्फॉर्मेशन सोर्स आपको ये बताता है कि ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स क्या है, कहने का मतलब ये सोर्स कौन से सोर्स से आपने ये डेटा कलेक्ट करा है, बिकॉज मान लो कि मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो ये पॉपुलेशन का जो मैं डेटा ले रही हूँ ये मैंने कहाँ से लिया, हो सकता है किसी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में पब्लिश हो, गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया हो, तो मैं लिख दूंगी कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इस वेबसाइट से उठाई है, तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन सोर्स। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का ना डिफरेंस, जो बहुत बार पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में फ़र्क बताओ क्या है, क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्या होता है टैबुलेशन, मतलब इनके बीच का फ़र्क बता दो, तो कुछ मत करो। देखो पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन के उसमें तुम क्या बताओगे, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हो आप अपने डेटा को ना जो आपने कलेक्ट करा है उस डेटा को आप अरेंज कर रहे हो, उस डेटा को आप किस चीज़ में अरेंज कर रहे हो, होमोजीनियस ग्रुप, सेम कैटेगरी वाले ग्रुप में चेंज कर रहे हो, मतलब अरेंज कर रहे हो, अब वो नेचर के बेस पे भी हो सकता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के भी बेस पे हो सकता है। ठीक, अच्छा टैबुलेशन क्या होता है, टैबुलेशन एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है सिर्फ डेटा की, जस्ट आप इसको डेटा को क्या कर रहे हो रो और कॉलम में भर रहे हो, यही हो रहा है ना टैबुलेशन में, तो यही कर रहे हो रो और कॉलम भर रहे हो तुम लोग, तो ये लिख देना टैबुलेशन एक ऐसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है जिसमें आप टैबुलर फॉर्म में रो कॉलम इसमें अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो बड़ी कंसाइज वे में, मतलब बहुत ही
सिमिलर मतलब बहुत स्मॉल वे में। अच्छा, मीनिंग की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है वो डेटा को फर्दर एनालिसिस के लिए सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग समझते हो? सॉर्टिंग का मतलब होता है फिल्टर करना। मान लो कि मेरे को जाए ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, मान लो मैं किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गई, मैंने मेरे को फीमेल देखना है, फीमेल में मुझे क्या देखना है, वेस्टर्न ड्रेस देखना है, एथनिक ड्रेसेस देखनी है, तो मैं क्या करती हूँ, फिल्टर लगाती हूँ ना, सॉर्ट करती हूँ ना। तो क्लासिफिकेशन भी क्या है, डेटा को सॉर्ट करना ही तो है, ठीक, कि मुझे हाई टू लो पे जाना है, लो टू हाई पे जाना है, या मुझे पॉपुलैरिटी देखनी है, सॉर्ट करते हैं ना हम। तो ये डेटा को ना सॉर्ट करता है ताकि हम उस डेटा को आगे फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर पाए। टैबुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को प्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिस आप टेबल बना रहे हो एक मेथड है, नथिंग एल्स। ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर डेटा कलेक्शन आफ्टर क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन है ना वो आप कब करोगे, डेटा को कलेक्ट करने के बाद ही तो क्लासीफाई करोगे उसको, है कि नहीं? तो ऑर्डर ये है। अच्छा, टैबुलेशन जी कब करोगे, टैबुलेशन जो है वो क्लासिफिकेशन के बाद करोगे, मतलब जब आपने अपने डेटा को क्लासीफाई कर लिया ना उसके बाद आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में लाओगे, मतलब उसका टैबुलेशन करोगे। पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन जो है टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज डेटा, कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। टैबुलर में क्या करेंगे, टैबुलर में तो जस्ट हम उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे और उसका एक ईजियर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, मतलब आसान सोल्यूशन, मतलब एक, ठीक है। उसके बाद लास्ट के हमारे चार पॉइंट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ओहो एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है, यानी कि भाई जो डेटा मास में है इसको सिंप्लीफाई करना, ताकि आपका जो डेटा है वो अंडरस्टैंडिंग हो पाए उसकी इजीली, और हम उसको इजीली कंपेयर कर पाएँ, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, टैबुलेशन क्यों कर रहे हैं हम, टैबुलेशन, अरे जो भी तुमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन वाले वो लिख देना, ठीक है, अभी पढ़े थे वही वाले सेम है। अरेंजमेंट की बात करें तो वेरिएबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और रो एंड कॉलम ये सब लिख देना, कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन में आप अपने डेटा को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में अरेंज करते हो और टैबुलर में आप रो एंड कॉलम के बेस पर अरेंज करते हो। क्लासिफिकेशन में आप डेटा की कैटेगरी, ओहो फिर से तो बार बार ऐसे हो रहा है, डिवाइड्स इनटू कैटेगरी और सब कैटेगरी और हेडिंग है सब हेडिंग, इसमें टैबुलेशन में हेडिंग सब हेडिंग होती है और क्लासिफिकेशन में, ठीक। थैंक यू सो मच, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना चैनल।